हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर नेट हम कर रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में इवेलुएशन सिस्टम्स कि किस तरह से हम स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं इवेलुएशन का मतलब कि जो हम इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं जो हम उनको नॉलेज दे चुके हैं स्किल्स दे चुके हैं वो उन्होंने कितनी अंडरस्टैंड करी है और कितने अच्छे तरीके से उसको लर्न किया है वही इवेलुएट करना ठीक है तो देखते हैं इसमें इवेलुएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर बीग अचीव्ड ठीक है इवेलुएशन का मतलब क्या है कलेक्ट करना एनालाइज करना या फिर इंटरप्रेट करना किसी भी इंफॉर्मेशन को ये देखने के लिए कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो कितने अचीव हो चुके हैं ठीक है अब हम बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इवेल्यूएशन की कि हमारे इवैल्यूएशन के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं सबसे फर्स्ट है हमारा टेस्ट इन द क्लासरूम सिचुएशन द वर्ड टेस्ट मीन्स टू जज द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट टेस्ट क्या है हम सबको पता है हमारे क्लास में क्लास टेस्ट होते रहते हैं ये जानने के लिए कि हम चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं हमारे स्टूडेंट्स की कितनी इंटेलिजेंस है उसके लिए टेस्ट लिए जाते हैं ए टेस्ट कैन बी हेल्ड इन शॉर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर टीचर कैन टेक अ टेस्ट ऑफ य स्टूडेंट्स टू नो अबाउट देयर ग्रेसपिंग पावर क्या है टेस्ट बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में लिए जाते हैं कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में टीचर स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है कि कितनी उनकी ग्रेस्पिंग पावर है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए दस द टेस्ट कैन बी इनफॉर्मल टेस्ट आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल इन देंस दे कि औरली जब हम टेस्ट लेते हैं या नॉर्मली कभी भी टीचर का मन किया तो स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट ले लिया उनको इवेल्युट करने के लिए तो यह था हमारा टेस्ट Next have measurement इट इज़ मेनली कंसर्न विद कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ डेटा मेजरमेंट क्या है कोई भी डेटा को क्या करना कलेक्ट करना या उनको गैदर करना फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्कोर इन एन एग्जामिनेशन वी कैन सी दैट मेजरमेंट इज अ क्वान्टिटेटिव ऑरिएटेड ऑपरेशन मेजरमेंट मतलब कि किसी भी चीज़ को हम मेज़र कर पाए मेजर किस फॉर्म में कर पाएंगे नंबर्स की फॉर्म में ये इवेल्यूएट करना कि सपोज ट्वेंटी मार्क्स का एग्जाम लिया तो ट्वेंटी में से कितने मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किए वही क्या कहलाता है हमारा मेजरमेंट हमें नंबर्स की फॉर्म में पता चल गया कि कितना बच्चे ने अंडरस्टैंड किया कितना उसको समझ में आया नेक्स्ट टूल है हमारा इवैल्यूएशन इवेलुएशन इज अ ब्रोडर टर्म देन टेस्ट इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एग्जामिशन इन इट एक्चुअली हम इवेल्यूएशन पढ़ ही रहे हैं तो इवेलुएशन में क्या होता है हर तरीके के एग्जामिनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट सारे ही आ जाएंगे इट्स पर्पज इज़ नॉट ओनली टू चेक द नॉलेज ऑफ द लर्नर बट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर इसमें हम सिर्फ नॉलेज मतलब सिर्फ लर्नर की नॉलेज को चेक नहीं करते बट हर तरीके से उसको देखते हैं कि वो लर्निंग के अलावा और भी स्किल्स लेने में कितना माहिर या फिर कितनी और स्किल्स वो ले पा रहा है नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट इट कवर्स एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन ग्रेडिंग एग्जामिनिंग सर्टिफाइंग एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अचीवमेंट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स एंड एप्लीकेंट्स एटीट्यूड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड टीचर्स कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग में भी असेस्ड इसमें असेसमेंट जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स का हो uh, किसी भी uh, uh, किसी का भी असेसमेंट इवेल्यूशन uh, हो सकता है इसमें बेसिकली इसमें हम क्या बात करते हैं असेस करना मतलब उसको ग्रेडिंग देना या फिर पूरी uh, जो भी अपना लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है वो अपना असेसमेंट ही होता है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर कोर्स में कितना अचीव किया मान लो कोई भी पर्टिकुलर क्लास थी उसमें कितने परसेंटेज उसने स्कोर किए एंड एप्लीकेंट्स एटीट्यूड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब किसी भी आ, कोई भी पर्सन एक जॉब के लिए गया तो उसका क्या एटीट्यूड है उस जॉब के प्रति एंड टीचर्स कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग में भी असैस्ड और टीचर्स में भी ये हो सकता है कि मतलब कितनी कॉम्पिटेंसी है टीचर की टीचिंग में या फिर आ, पढ़ाने में ठीक है तो यह हो गया हमारा असेस्टमेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की द टर्म इज़ यूज इन स्कूल टू असेस द ग्रोथ ऑफ़ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट एग्जामिनेशन इंक्लूड्स पीरियोडिक टेस्ट हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन ये तो हम सबको पता है कि बिना एग्जाम के कोई भी क्लास हम पास नहीं कर सकते तो एग्जामिनेशन हर स्कूल में हर कॉलेज में होता ही होता है या आपके पीरियोडिक टेस्ट जैसे इसको हम यूनिट टेस्ट कहते हैं हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन से ही हमें स्टूडेंट की ग्रोथ का पता चलता है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इवेल्युएशन इक्वल्स टू मेजरमेंट प्लस जजमेंट अब यहाँ पे मेजरमेंट का मैंने आपको बताया था जो कि किसकी फॉर्म में होता है नंबर्स की फॉर्म में होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जजमेंट क्या होता है हमारा टीचर का जजमेंट जो होता है किसी की क्वालिटी के फॉर्म में कि इसने अच्छा एग्ज़ाम मतलब अच्छे परसेंटेज लेकर आया या एवरेज रहे या कम रहे तो ये इवैल्यूएशन इन दो चीज़ों से बनता है डेट इज़ मेज़रमेंट प्लस जजमेंट मेज़रमेंट तो नंबर्स हम मेज़र कर सकते हैं कि कितने मार्क्स हैं और जजमेंट हम खुद का जजमेंट देंगे कि ए प्लस बी प्लस जितना भी ग्रेड है तो इससे हमारा इवेल्यूशन निकल कर आता है तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की एजुकेशन में हमारे इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखते हैं सबसे पहला है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इवेल्यूशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इट लीड्स टुगेदर विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग और लर्निंग एक साथ ये प्रोसेस चलता जाता है इवेल्यूएशन कभी भी रुकता नहीं है uh, मतलब स्टूडेंट uh, का पूरे साल भर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तक इवेल्यूएशन uh, चलता ही रहता है कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इज कॉम्प्रीहेंसिव एज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कैन बी इंक्लूड इवेल्युएटेड बहुत बड़ा कंसेप्ट है इवेल्यूएशन क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है जो हम सब कुछ क्या कर सकते हैं इवेलुएट कर सकते हैं चाइल्ड सेंटर इवेलुएशन क्या है चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है विच गिवस इम्पोर्टेंस टू द लर्निंग प्रोसेस नोट टू द टीचिंग प्रोसेस इवेल्यूएशन चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस किसको देता है लर्निंग प्रोसेस को इम्पॉर्टेंस देता है न कि टीचिंग प्रोसेस को इम्पॉर्टेंस देता है इसमें हम यही देखते हैं कि लर्नर ने कितना सीखा नेक्स्ट कॉपरेटिव प्रोसेस इवेलुएशन इज अ कॉपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स बहुत ही कॉपरेटिव तरीके से इसको इवेलुएट किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं टीचर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी होते हैं कुछ पीयर ग्रुप्स भी होते हैं कॉमन प्रैक्टिस इवेलुएशन इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली इवेलुएशन एक कॉमन प्रैक्टिस है हर जगह इसको यूज किया जाता है ताकि जो चाइल्ड की है वो ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके वो स्ट्रांग हो मेंटली भी और फिजिकली भी ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इवेल्युएशन इन एजुकेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इवेलुएशन इन एजुकेशन की एजुकेशन में इवेल्युएशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहला है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस हेल्प्स अ टीचर इन फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स। इट हेल्प्स अ टीचर इन कटिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स डायग्नोस्टिक करना मतलब स्टूडेंट को डायग्नोज करना एक कॉन्टीअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है ये हम देख चुके हैं तो ये टीचर को हेल्प करता है कोई भी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या हो रही है टीचर डायग्नोज करता है कि स्टूडेंट कितना लर्न कर पा रहा है अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या दिक्कत आ रही है लर्न करने में नेक्स्ट रेमेडियल बाय रेमेडियल वर्क वी मीन

इफ़ अ टीचर हैज़ द प्रॉपर नॉलेज एंड अबाउट इज लर्नर्स ओनली देन ही कैन गाइड हिम अगर टीचर को अपने स्टूडेंट्स के बारे में लर्नर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तभी वो उनको गाइड कर पाएगी और एनी एंड गाइडेंस कैन ओनली आफ्टर प्रॉपर इवेल्यूएशन विच इन्वॉल्व ऑल डायमेंशन एबिलिटीज एप्टीट्यूड इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस और जो पूरा गाइडेंस प्रॉपर इवेल्यूएशन के बाद ही वो दे पाएंगे जिसमें सारी की सारी एबिलिटी स्टूडेंट के इंटरेस्ट स्टूडेंट के इंटेलिजेंस सब कुछ उसमें शामिल होते हैं

गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बाय इवेल्यूएशन इज अ टीचर कुड नॉट ओनली इम्प्रूव द पर्सनालिटी एंड लर्नर बट ही इज ऑल्सो एबल टू नो द लेवल ऑफ टीचिंग एंड कैन इम्प्रूवमेंट ठीक है इसमें क्या है कि वो लर्नर की पर्सनैलिटी को तो इम्प्रूव करते ही हैं इससे उनको पता चल जाता है कि वो किस तरह की टीचिंग करवा रहे हैं या जिससे लर्नर को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो टीचिंग को भी क्या करने की कोशिश करते हैं इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं दस इट इज़ हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इससे क्या होता जाएगा टीचिंग में भी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आती रहेगी और लर्निंग प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आती रहेगी नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी इवेल्युएशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हम पहले भी पढ़ा है विच गोज इन एज लॉन्ग एज अ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू एजुकेशन जब तक स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड होएगा तब तक टीचर उसका इवेल्युएन करता रहेगा इवेलुएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वट एवर द लर्नर लर्न इट शुड बी इवेल्युएटेड डेली तो इवेलुएशन क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है जब तक लर्नर लर्न learn करेगा तो तब तक उसका इवेल्युएशन डेली बेसिस पे होगा ओनली देन द लर्नर कुड हैव बेटर कमांड और लैंग्वेज उसके बाद ही उसकी बेटर कमांड अपनी लैंग्वेज पे हो पाएगी प्रिंसिपल ऑफ बाय वी मीन टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर लर्नरिटी इट इज कंसर्ड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कॉम्प्रीहेंसिवनेस है कि हर तरीके से हर एस्पेक्ट से लर्नर्स की पर्सनैलिटी को असेस करना ऑल राउंड डेवलपमेंट जब चाइल्ड का हो जाता है वही क्या होता है कॉम्प्रीहेंसिवनेस प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव इवेलुएशन शुड बी बेस्ड ऑन द ऑबजेक्टिव ऑफ एजुकेशन इट शुड भी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट वेयर देर इज अड फॉर री डिजाइनिंग एंड री फ्रीडिंग द लर्नर्स ऑबजेक्टिव लर्नरस बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब बताया था कि मेन एम है अपने एजुकेशन का तो ये मदद करती है कि कब हमें लर्नर्स के बिहेवियर को री डिजाइन या रिफ्रेन करने की जरूरत हमें पड़ती है नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इवेलुएशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन दिस प्रोसेस वी डोंट इवेलुएट ओनली द करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ लर्नर बट इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इवेलुएटेड ठीक है इसमें ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि जहाँ पे हम लर्नर के लर्निंग एक्सपीरियंस को जानते हैं इनमें हम सिर्फ वो एक्टिविटीज को नहीं लेते लाइक जो हम पढ़ा रहे हैं जो हम लर्न करवा रहे हैं बट उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक खेल कूद में या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ को हम इवैल्यूएट भी करते हैं बोथ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल इंक्रीजिंग लर्नर्स एक्सपीरियंस दोनों ही एक्टिविटीज़ क्या है हेल्पफुल होती है लर्नर्स के एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस द चाइल्ड में लर्न मैनी थिंग्स बट इट मे नॉट बी यूजफुल इन इज डेली लाइफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चा जो है वो कुछ ऐसी चीजें भी सीखता है जो ज़रूरी नहीं है उसके डेली लाइफ में काम आए यू कांट अप्लाई इट दैन इट इज़ यूजलेस टू फाइंड अगर वो उसको अप्लाई ही नहीं कर सकता तो यूजलेस है उसको ढूंढना मतलब ऐसी थिंग्स को ढूंढना जो यूजफुल नहीं है इट कैन बी नोन थ्रू इवेलुएन ये हमें इवेलुएशन से पता चलता है कि अगर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा है जो उसके लिए बिल्कुल यूजलेस है तो ऐसी चीजें जो नहीं अप्लाई कर सकता तो वो सिखाने का कोई मतलब नहीं है इवेलुएशन जजेस डे स्टूडेंट इज बेटर टू अप्लाई हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू सक्सीड हिज लाइफ इवेलुएशन ये जज करता है कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज को अप्लाई करे और उसको अंडरस्टैंड करे जो भी उसको लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन आए गी, उस पर अप्लाई करें और अपनी लाइफ में सक्सीड हो यही क्या है हमारी इवेल्यूएशन की इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और इवेल्यूएशन सिस्टम की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेलुएशन तो आई होप uh, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू